नमस्कार, मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आज मैं आपको एक बार फिर से अपने बचपन में ले जाना चाहती हूँ, अपने गांव की तरफ खींचना चाहती हूँ। एक ज़माना था जब हमारे लिए हमारे गांव ही स्विट्ज़रलैंड और लंदन हुआ करता था। आजकल की युवा पीढ़ी को लेकर हम अक्सर घूमने स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। गांव से उनका बिल्कुल भी नाता नहीं रहा है। लेकिन जो गांव में, जो गांव की मिट्टी में जो खुशबू बसती थी, वह शहरों की मिट्टी में कहाँ। तो आइए मैं आप सबको एक बार लेकर चलती हूँ अतीत के उस दौर में, कि वो माँ बाप की आँखों के हम तारे, वो भाई बहन का निश्चल प्यार, वो रूठना, वो मनाना, वो छोटे छोटे घरौंदे बनाना, वो नन्नों पर घौंच जमाना, वो एक ही थाली में मिल बांट कर खाना, न तेरा न मेरा, सब कुछ अपना। गर्मियों की वो छुट्टियाँ, वो गांव जाना, वो नानी का घर, वो बड़ा सा आंगन, वो बरगद की छांव, वो निम्बोली का झाड़, वो गली गली घूमना, गुल्ली डंडा खेलना, प्यास लगने पर बर्फ़ की आइसक्रीम खाना, सांझ ढले भोजन, लालटेन की रोशनी, मंदिरों की घंटियाँ, इकट्ठे होना, हंसना हंसाना, हुल्लड़ मचाना। वह समय ऐसा होता था जब हम पूरा का पूरा कुनबा एक साथ गांव जाते थे, एक साथ एकत्रित होते थे और खूब धमाल मस्ती करते थे, कि सांझ ढले भोजन, लालटेन की रोशनी, मंदिरों की घंटियाँ, इकट्ठे होना, हंसना हंसाना, हुल्लड़ मचाना, डांट खाना, आँखों में आंसू लाना और फिर शोर मचाना। वो पानी से ठंडा होता हुआ आंगन, वो कतार से लगते हुए बिस्तर, वो नानी को घेरना, वो राजा रानी की कहानियाँ सुनना, वो परियों से मिलना, आहा कितना अपना आत्मिक सुख था। गर्मियों की वे लंबी रातें कितनी छोटी लगती थी, पर अब न नानी है, न राजा रानी की कहानी है, आंगन तो वही है पर न वो शोर है, न वो हुल्लड़ है। अब गर्मियों में पहाड़ी स्थल, सिमरते परिवार, एयर कंडीशन कमरे, बरगद का वो बूढ़ा पेड़ अपनी सूखी टहनियों को समेटे हमें हवा देने अब भी हमारा इंतजार कर रहा है, अब भी हमारा इंतजार कर रहा है। सच, गांव की याद आते ही आज भी मन भीग सा जाता है। आज भी मुझे याद है कि गांव में जब हम अक्सर सोते हुए आसमान को तकते थे, तो एक दिन माँ ने देखा और बोली, बेटा ये क्या कर रही हो? तो मैंने माँ से कहा कि माँ, आसमान में चमकते हुए तारे देख रही हूँ। तब मेरी उस कम पढ़ी लिखी माँ ने मुझे जीवन का एक मर्म समझाया कि बेटा, सिर्फ आसमान में चमकते हुए तारों को मत देखो, स्वयं तारा बनो और सितारा बनकर चमको, सितारा बनकर चमको। माँ की वो सीख आज भी मुझे याद है। वही बातें मैं अपने बच्चों से कहती हूँ, अपने पोते पोतियों से कहती हूँ, और हम में से हर कोई अपने बच्चे के लिए यही कामना करता है कि बस वो भी सितारों की तरह चमके। नमस्कार।